हाँ जी, हेलो मैत्री भाई, आवाज क्लियर है मेरी? हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल? आमना ओके सो अप टू लास्ट क्लास हम पैरेललोग्राम लॉ कर चुके थे, ट्राइंगल लॉ हमने सॉल्व कर लिया था. आज कुछ नए बच्चे हैं, शायद दिव्यांशी, नहीं जॉस्टल, फाइका, सानिया. ओके, आप लोगों की फर्स्ट क्लास है आज. सो अप टू लास्ट क्लास हम ट्राइंगल लॉ कंप्लीट कर चुके थे. हमने पैरेललोग्राम लॉ कर लिया था, पॉलीगन लॉ हमने डिस्कस कर लिया था. कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. ट्रायंगल लॉ एक बार और रिकॉल करा दूं. ट्रायंगल लॉ में आप जिन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, कंडीशन होती है दोस टू वेक्टर्स शुड बी इन सेम ऑर्डर. जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे. सो क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है, वो कहता है आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इन्हें आपने सेम ऑर्डर में लिया विद द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. एक थर्ड वेक्टर है आपके पास विच इज इन ऑपोजिट ऑर्डर. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर नॉट, और इसका मैं नाम कुछ और दे देता हूं. लेट्स से दिस इज वेक्टर सी. ये वेक्टर सी है. वेक्टर सी इज इन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑर्डर. तो ए बी एंड सी ये तीनों सेम ऑर्डर में दिए हुए हैं, मुझे इनका सम चाहिए. व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों सेम ऑर्डर में, इनका सम बताओ मुझे. इनका सम सम कितना आएगा, ये आंसर चाहिए. ऑल वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, इन तीनों का सम कितना होगा, ये सम मुझे बताइए जरा. बताएगा मुझे आंसर आमना, दिव्यांशी, हर्षित, मैत्री, सोमिया, दिशा. हाँ, अनम्यूट हो जाएगा हर्षित. जैसा अब किया है सर, ये तीनों की तीनों क्या सेम ऑर्डर में है ना? कोई तीनों सेम अपोजिट ऑर्डर में, ऑर्डर? कोई हाँ अपोजिट सर, ऑर्डर में, जीरो। जीरो. और कोई बताएगा मुझे, अगर तीन वेक्टर्स हैं विच आर इन सेम ऑर्डर, इनका सम कितना आएगा? सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वेक्टर। ए बी प्लस सी कितना होगा? सो देखिए, इस चीज को याद रखिएगा, हर्षित सही कह रहा था. इफ थ्री वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर तो इनका सम जीरो होगा. रीजन समझो, ट्रायंगल लॉ आपको कराया था मैंने कि अगर आपको मैं दो वेक्टर्स दे रहा हूं विच आर इन सेम ऑर्डर, दिस इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम ऑर्डर, तो यहां जो रिजल्टेंट होगा ना इसका, वो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होगी. रिजल्टेंट ये होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. रिजल्टेंट ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड हो जाएगी. सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहां होता है एक रिजल्टेंट वेक्टर आर के इक्वल. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर आर. लेकिन अगर मैं सी को बिल्कुल आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूं, मैं सी को ऐसे ले रहा हूं, बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिया, क्या वो मैत्री आवाज नहीं आ रही तुम्हें? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? आ रही है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर आ तो रही है. नहीं, मैत्री मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको एक बार अपना सेट चेक करना पड़ेगा.
सो दिस इज वेक्टर सी. तो आप यहां वेक्टर सी को लिख सकते हैं, वेक्टर सी इज माइनस ऑफ वेक्टर आर. वेक्टर सी और वेक्टर आर एक दूसरे के नेगेटिव है, तो आर की जगह माइनस सी रख दो. या आप ऐसे लिख सकते हैं कि सी इज माइनस ऑफ सी इज आर, तो आर की जगह आप माइनस सी रख दीजिए. तो इसे आपने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज माइनस ऑफ वेक्टर सी. नाउ इस सी को लेफ्ट में ले आओ, सो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो. तो एज अ स्टेटमेंट भी इसे याद रखिएगा, इफ थ्री वेक्टर्स If three vectors acting at a point are represented by sides of triangle in same order. Triangle in same order, then their resultant is zero. अगर आपने तीन वेक्टर्स लिए, उन्हें ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, सारी साइड सेम ऑर्डर में, तो उन तीनों का जो सम होगा दैट सम विल बी जीरो. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो. इसे कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट भी कहते हैं. दिस इज कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट. इसे कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट कहेंगे. चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. इसमें डाउट बताओ मुझे. अच्छा, आज कुछ नए बच्चे भी हैं क्या? सर आपने क्या बोला, कंडीशन ऑफ जीरो जीरो रिजल्टेंट? फाइका आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ? भाई एक और बच्ची है, किसका कौन है? वन ई एम सी वी. भाई नाम बताइए अपना. वन ई एम सी वी वी, ये नाम बताइए प्लीज अपना. भाई यहां तक डाउट्स बताओ मुझे, कोई डाउट है यहाँ? कोई डाउट नहीं है. चलो गया. चलो इसे रब करते हैं. इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन की, उसके बाद आज वेक्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. सर जो ये प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली सर थ्योरेटिकल है ना, एग्जाम्स में थोड़ा पूछी जाएगी मतलब. नहीं, बस मुझे कंप्लीट करना है इसीलिए लिखवाना पड़ता है. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में पहली प्रॉपर्टी आती है, दैट मीन्स वेक्टर जो एडिशन है इसमें कम्यूट करता है. The first property is commutative property. The first one is commutative property. Commutative property means vector A plus vector B. आप vector A और vector B को add करो, या आप order reverse कर दो, B और A को add कर दो. Vectors में अगर आप order reverse भी करोगे तब भी effect नहीं पड़ता, same रहता. That's commute करता vector addition. दूसरी property है associative.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है इफ यू हैव थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सो आप पहले बी और सी को ऐड करो और उसके साथ ए ऐड कर दो, या आप ऐसा करो कि आप ए और बी को ऐड कीजिए फिर उसके साथ सी ऐड कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यू रिजल्ट विल बी सेम। तो वेक्टर एडिशन इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, पहला कम्यूट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दूसरा एसोसिएट होगा कि तीन वेक्टर्स हैं आप किसी भी दो को ऐड कर कर तीसरा ऐड कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। इतना लिख लो जल्दी से फिर वेक्टर सबट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं ना, ए प्लस सी इक्वल बी, कौन सी ए प्लस सी एक साथ रख दिया बी लास्ट में ऐड किया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही एसोसिएट करने का मतलब। इतना लिखिए रब करते हैं फिर इसे। शुक्र। अब एडिशन की सारी चीजें हो गई, एडिशन के बाद जो नेक्स्ट है दैट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे, अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आप एक वेक्टर आर कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर आर होगा इट्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। नाउ आपको ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट करके एक रिजल्टेंट वेक्टर आर लाना है। देखो एक्चुअल में वेक्टर्स में अलग से सब्ट्रैक्शन नाम का कोई ऑपरेशन नहीं होता, वेक्टर्स में अलग से सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना ए में से बी सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो अल्टीमेटली मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेक्टर ए में एक वेक्टर बी के नेगेटिव को ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन मींस उस वेक्टर में दूसरे के नेगेटिव को ऐड करना, तो इसको मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी from vector A is equivalent to sum of vector A and minus of vector B। तो A और B के subtraction का मतलब है A में आपने vector B का negative add कर दिया। हाँ भाई वेक्टर्स में कोई बताएगा मुझे नेगेटिव साइन क्या डिसाइड करता है, अगर मैं कह रहा हूँ वेक्टर्स में नेगेटिव साइन आ रहा है कहीं बताएगा मुझको डायरेक्शन, तो अगर वेक्टर में नेगेटिव आ गया इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सो अब थ्योरी डेवलप करते हैं इसके लिए कि कैलकुलेशंस कैसे करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। सो लेट्स से यू हैव अ वेक्टर ए, एक मिनट यार थोड़ा सा ना इसको बड़ा बनाते हैं, this is vector A and this is vector B, this is vector A, this is vector B। now aapko chahiye negative of vector B, to negative of vector B ka matlab hai direction bilkul reverse kar do, this is negative of vector B, ye hai minus of B, this is minus B। जब आपसे कह रहा है ए और बी को ऐड करो, दैट मींस ए और बी के बीच में कुछ एंगल था थीटा, तो ए और बी ना ऐड करो, ए और माइनस बी को ऐड कीजिए। तो इसे ऐड करने के लिए आप यहाँ पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करोगे, जो डायगनल होगा पैरेललोग्राम का वो डायगनल आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर देगा, डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर देगा, और इन दोनों वेक्टर्स में जो एंगल बचेगा दैट एंगल इज 180 माइनस थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा, बट ए और माइनस बी में जो एंगल होगा दैट एंगल इज 180 माइनस थीटा। अब आपको ज्योमेट्रिकली तो आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये समझ में आया सबके कि अगर आप वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्चुअल में आप वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ बी को ऐड कर रहे हो। नेगेटिव ऑफ बी का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन मींस बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, इफ दिस इज बी तो आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, दैट्स नेगेटिव ऑफ बी।
इसका आप डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा। अब आपने ए और नेगेटिव ऑफ बी को ऐड करने के लिए नीचे पैरेललोग्राम बना दिए, रिजल्टेंट हो गया, ये आपको ए और बी का सम दे देगा। ए और माइनस बी का सम, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो जब आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करोगे तो आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। So that's a square plus b square plus 2ab cos 180 minus theta. तो ये जो cos 180 minus theta है, इस cos 180 minus theta को आप minus cos theta भी लिख सकते हैं। ये जो cos 180 minus theta आ रहा है, ये minus of cos theta होगा। जिनके पास maths से उन्होंने किया होगा, जिनके पास maths नहीं है, ये identity है जो आपको आनी चाहिए, minus cos theta. So resultant आएगा आपका, it's root over ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। सर इसका मतलब जो रिजल्टेंट ए और बी के बीच में होगा और ए और माइनस बी के बीच में होगा, वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड में भी वेरी करेगा। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड में भी वेरी करेगा क्योंकि एंगल्स में चेंज आ रहा है। So, एक चीज और देखिए, यहां पर मैंने माइनस बी नहीं लिया, माइनस बी मैग्नीट्यूड में नहीं है, माइनस बी डायरेक्शन में। यहां भी मैंने माइनस बी नहीं लिया, माइनस बी मैग्नीट्यूड में नहीं है, डायरेक्शन में है, तो यहां नहीं आएगा। बस ये कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ये आर आ गया। इसके बाद ये आपको रिजल्टेंट आर मिल गया, विच इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल कैलकुलेट करते थे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ लेट से कुछ एंगल ले रहा है बीटा, आप किसी तरह से ये टैन बीटा कैलकुलेट कर दीजिए। तो जब आप टैन बीटा कैलकुलेट करोगे फॉर डायरेक्शन, तो जब आप यहां डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन में आएगा टैन बीटा। तो टैन बीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स बी साइन थीटा। थीटा की जगह आप क्या यूज करोगे, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये जो साइन 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये टैन बीटा हो गया, इट्स बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ऐसे आप टैन बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एडिशन में यहाँ प्लस आता था नेगेटिव आ रहा है, एडिशन में यहाँ ए प्लस बी कॉस थीटा होता था जिसकी जगह ए माइनस बी कॉस थीटा आ गया। इतना लिखिए और मुझे डाउट्स बताइए। और प्रवीण आपकी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है आज? हाँ जी सर। आप कहाँ से हो? नेपाल। 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 यार कुछ समझ में आ रहा है आज? कुछ नहीं ना सर। नहीं यार, आज इसको लिखो, मैं तुम्हें बैकअप देता हूँ अलग से। अलग सर, से सर, सर, सर। हाँ बताओ सर। सुन रहा हूँ, बोलो तो सर क्या आ गया? सर कहते हैं माइनस और कॉस थीटा क्यों है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जब तुम्हारे पास मैथ्स है मित्री? नहीं नहीं बायो। तो जब तुम एंगल तुम्हारा 90 के बियॉन्ड जाता है ना कॉस में, जैसे तुम 90 के बियॉन्ड जाओगे, तुम्हारे कॉस की वैल्यूज नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगे। लाइक कॉस 90 तो जीरो होता है, उसके आगे जैसे ही जाओगे कॉस 120, कॉस 120 माइनस हाफ हो जाएगा, cos 180 minus 1 हो जाएगा, तो negative में आना शुरू कर देगा। तो जब आप यहाँ 180 minus theta cos में calculate करते हैं, ये minus cos theta आएगा। ये पूरी derivation है, उसकी tension मत लो, बस इतना याद रखो, जैसे ही तुम second quadrant में जाओगे, cos negative होता है, तो cos 180 minus theta minus cos theta देगा। वो maths की derivation just time waste करेगी और कुछ नहीं। सर मैं पूछा था कुछ। हाँ सर, जैसे ये क्या कहते हैं ए और बी, वेक्टर ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट है और जो वेक्टर ए और माइनस बी के जो बीच में रिजल्टेंट है, थीटा अगर 90 हुआ तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा?
तो दोनों का सेम होगा बस, उसके अलावा कभी डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन अलग, में हमेशा अलग होंगे, डायरेक्शन हमेशा अलग होंगे यार। देखो ए प्लस बी इधर जाएगा सर, एक बार कैलकुलेट करना है, जैसे अगर हम ऊपर के लिए मतलब दोनों पॉजिटिव के कैलकुलेट करते हैं तो तो क्या देखो जाएगा देखो, टेन? देख कर बताओ, देख कर बताओ, ये हाँ ऊपर तो देख, जाएगा ए प्लस यस बी का, सर, लेकिन मैंने उससे टेन बीटा से निकाला ना टैन उससे। बीटा अलग ले रहे हो ना, बीटा पहले ऊपर ले रहे हो, टैन बीटा इज बी बाय ए, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन खुद देखो एक जगह ऊपर एंगल है एक जगह नीचे, मतलब दोनों जगह आएगा 30 डिग्री, हाँ हाँ लेकिन समझ जब गया ए समझ माइनस बी लोगे तो 30 नीचे होगा, ए प्लस बी लोगे तो 30 ऊपर जाएगा, गया, ये ठीक है सर, डिफरेंस। समझ गया, थैंक यू सर। सो ये क्लियर हुआ सबका, इसको मैं रब कर रहा हूं फिर। तो मैत्री इसकी डेरिवेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कुछ टर्म्स आएंगी जिन्हें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, जैसे क्लास 10th में आइडेंटिटी होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, ऐसी कई आइडेंटिटीज आएंगी जिन्हें आपको याद रखना होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसे मैं रब करूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बहुत ज्यादा हम क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के हम क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअल में जब रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। तो अभी जस्ट एक न्यूमेरिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे वो आपसे कहता है टू बॉडी ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी एज शोन इन फिगर। तो दो बॉडीज हैं वी ए एंड वी बी, ए और बी, इनकी वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी दी हुई है। कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, दैट इज आपको भी कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी। इसे मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये हम तब देखेंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे, फिलहाल आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट वी ए एंड वी बी नाउ। सो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी ए, ये वी बी का डायरेक्शन है, दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वी ए से आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, वी बी आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, आपको कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी, जिसे मैं वी ए बी कह देता हूं, विच इज वी ए माइनस ऑफ वी बी। तो स्टेप्स देखिए, वी ए माइनस वी बी का क्या मतलब है, वी ए में वेक्टर वी ए में आप ऐड कर रहे हो माइनस ऑफ वेक्टर बी, वी ए में आप माइनस ऑफ वी बी ऐड कर रहे हैं। सो ये आपका माइनस ऑफ वी बी है, माइनस ऑफ वी बी, जैसे आपने वी ए में ऐड कर दिया, ये आपने पैरलोग्राम कंप्लीट किया एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ पैरलोग्राम, इसे आप वी ए बी कहेंगे। तो देखो वी ए बी का सबसे पहला काम है आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड होगा, अभी फॉर्मूला लिखा था वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए, इट्स वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 60। वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 60। सर 120 और कॉस 120 नहीं, ट्वेंटी हमने जो माइनस भी फॉर्मूला जो हमने डिराइव करा था, देखो फाइनल जो रिजल्ट आया था 180 माइनस थीटा की टर्म्स में आया था हर्षित, या थीटा की टर्म्स में आया था, अच्छा गॉट इट गॉट इट गॉट इट, थीटा की ठीक है टर्म्स। सर। सो वी ए बी जो होगा, दैट वी ए बी इज रूट ओवर वी ए विच इज 2 स्क्वायर, वी बी विच इज 1 स्क्वायर, 2 into VA विच इज 2 VB विच इज 1 cos 60 इज हाफ, ये कैंसिल हो गया। So, यहां से वी ए बी का मैग्नीट्यूड आया, इट्स 4 प्लस 1 माइनस 1,
तो ये रूट ओवर फोर आ जाएगा, नहीं फोर प्लस वन माइनस टू, तो रूट थ्री आ जाएगा। आ गया ना, फोर प्लस वन फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा, रूट थ्री मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन के लिए मान लो ये जो रिजल्टेंट है ये इस वेक्टर वी ए के साथ कुछ एंगल बीटा बना रहा है, किसी तरह से आप ये टैन बीटा कैलकुलेट कर दो। तो जब आप टैन बीटा कैलकुलेट करेंगे, टैन बीटा का एक्सप्रेशन होता है इट्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। आमना जरा बताओ मुझे इसमें ए और बी कौन कौन से वेक्टर्स हैं, कौन सा ए है और कौन सा बी है? आमना लाइव, आमना वी ए और वी बी में से कौन सा ए लेंगे कौन सा बी लेंगे? ए इज इक्वल टू टू। हाँ, वी ए ए और बी कैसे डिसाइड करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में भी आप एंगल ले रहे हो, आप एंगल किसके साथ ले रहे हो, बीटा वी ए के साथ, तो ये ए हो गया, वी बी आपका बी हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो योर टैन बीटा इज बी विच इज वन, साइन थीटा विच इज साइन सिक्सटी डिवाइडेड बाय ए विच इज टू माइनस बी विच इज वन कॉस सिक्सटी इज हाफ। It's tan beta sin 60 is root 3 by 2. 2 minus half, 4 minus half, 4 minus 1, 3 by 2. Ye cancel ho gaya. Tan beta a gaya 1 by root 3. So tan beta agar 1 by root 3 a gaya, so tan beta is 1 by root 3. Tan beta is 1 by root 3. So, ये बीटा आ गया, बीटा इज 30 डिग्री। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आपको मिल गया, इट्स रूट थ्री, बीटा मिल गया 30 डिग्री। यहां तक बताइए मुझे क्या डाउट है। आमना, दिव्यांशी, हर्षित, मैत्री, सोम्या, तिशा, इस फिगर के हिसाब से बीटा की वैल्यू 30 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती ना, मतलब रूट वन बाय रूट थ्री तो टैन की और भी वैल्यूज होती है लेकिन हाँ, फिलहाल बाकी नहीं हो सकती, राइट? बिल्कुल। इतना लिखो जल्दी से और जब हो जाए तो मुझे बताओ। मैत्री, क्लियर हुआ ये? सर इस साल सर वो सर कह रहे थे मैथ्स में कि मतलब जो जितने भी ये डिग्रीज में आएंगे सबको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, इसमें जरूरत नहीं है? यहाँ जरूरत नहीं है। अब तुम देखो साइन पाई बाय टू लिखो या साइन 90 लिखो, कोई फर्क है? लेकिन अगर तुम सिर्फ तुम्हें कहीं एंगल यूज करना है तो वो रेडियन में लेना होगा, साइन थीटा नहीं है। अगर सिर्फ कहीं थीटा यूज करना है तो वो रेडियन में लेना होगा। ओके सर। So that was subtraction of vector. ये सबको आ गया होगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? मैत्री, कोई डाउट नहीं है? मैत्री है क्लास? हाँ है। ओके, चलो जी इसे रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें आवाज नहीं आ गया? अब आ रही है तुम्हारी आवाज, पहले नहीं आई थी। इसके बाद सर इसमें वैसे भी ए और बी पॉजिटिव और ए और बी नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन, उनके जो रिजल्टेंट है उसके बीच में कोई वो बढ़ा सकते हैं हम? ना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एक क्वेश्चन बस मुझे करके दिखा दो, इसका आंसर सबका आना चाहिए। वो कह रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज मॉड ऑफ ए माइनस बी, कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी सॉल्व करो इसे, ये सबके आंसर्स आने चाहिए। ए एंड बी का रिजल्टेंट निकालो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए माइनस बी का निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। स्क्वायर करो, सॉल्व करो और मुझे बताओ एंगल क्या आ रहा है इनके बीच में। सॉल्व करिए सर, दो मिनट है, दो मिनट ट्राई करिए।
90 डिग्री, एक आंसर आया हर्षित का और किसी का, आमना का 90 डिग्री। देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी जब आप सॉल्व करोगे इट्स रूट ओवर इट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मॉड ऑफ ए माइनस बी जब आप सॉल्व करेंगे दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, इसे आप लेफ्ट में ले आओ, सो इट्स 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो इट्स 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज 0, थीटा इज 90 डिग्री। तो अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। कितने का आंसर, तीन लोगों का आंसर आया था, हर्षित आमना एंड दिव्यांशी, बाकी लोगों से हुआ ही अब, तिशा सोमिया हमाद मैत्री, मैत्री भी गई, अब हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए, इसे रब कर दूं मैं, सो दैट वाज अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अब तक जो हमने किया था उसका बिल्कुल रिवर्स है, जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा था रेजोल्यूशन उसका बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन है। सो अभी तक हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर्स को कंबाइन किया एक सिंगल बना दिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को फिर कंबाइन किया सिंगल वेक्टर बना दिया, रेजोल्यूशन इज रिवर्स प्रोसेस। यहां एक वेक्टर देगा उस वेक्टर को ब्रेक करके दो वेक्टर्स बना रहे होंगे। तो जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लोगे, रेजोल्यूशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स, स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स, इनटू कंपोनेंट्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कंपोनेंट्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आपने एक वेक्टर को कई कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, जो कंपोनेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, दैट्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे एक ये है वेक्टर ए, मान लो ये एक वेक्टर ए था, दिस इज वेक्टर ए, इस वेक्टर ए को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बेसिकली ये रिजल्टेंट है जो हमें दिया हुआ है, राइट। ये ए को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, A1 और A2। जब मैं A1 और A2 को कंबाइन करूंगा तो जैसा हर्षित कह रहा था, A1 और A2 को कंबाइन करके क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर A आ जाएगा। सो ये जो A1 A2 है, दीज A1 एंड A2, दे आर नोन एज कॉम्पोनेंट वेक्टर्स, दे आर नोन एज कॉम्पोनेंट वेक्टर्स। सो कॉम्पोनेंट वेक्टर सिंपल सी टर्म है, कॉम्पोनेंट का क्या मतलब है कि एक चीज को दो पार्ट में तोड़ दो, जो दो पार्ट होंगे उन्हें आप कॉम्पोनेंट कहते हैं। तो यहां भी ये जो A1 और A2 आया, दे आर कॉम्पोनेंट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर है, A के कॉम्पोनेंट वेक्टर्स है, इन्हें आप जोड़ोगे कंबाइन करोगे तो दोबारा से वेक्टर ही बन जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और इन जनरल रेजोल्यूशन जो दो वेक्टर्स रिजोल्व होकर आएंगे, दोस टू वेक्टर्स कुड एक्ट इन एनी डायरेक्शन, कुछ एट एनी एंगल, लाइक A1 और A2 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं
कि 90 हो या फिर कुछ और हो, कुछ भी एंगल हो सकता है इन जनरल. तो ये जो रेजोल्यूशन है उल्टा है. वेक्टर ए को तुमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, जो पार्ट्स बने A1 एंड A2 इन्हें दोबारा से कंबाइन करोगे यू विल गेट द सेम वेक्टर ए. इससे पहले हम क्या करते थे, दो वेक्टर्स को कंबाइन कर एक बनाते थे. अब एक है उससे आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. ये दो तो मैं कह रहा हूं, आप कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, दैट्स रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्रवीण तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अब रेजोल्यूशन? दिशा, सोमिया, सर इस चीज के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी तो होगी ना, सिर्फ रिजल्टेंट दे के निकालना होगा या फिर? ना ना ना, भी इंफॉर्मेशन बहुत होगी, अभी तो आएगी, अभी तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ क्या चीज. हमाद तुम्हें आवाज आ रही है? उसको रब कर दूं मैं? इतना लिखा सबने, दिव्यांशी, दिशा, सोमिया. अच्छा यार एक चीज और है, इस संडे से, फ्रॉम दिस संडे ऑनवर्ड्स, आपकी एक क्लास हम बढ़ाएंगे. कुछ इंटरनेशनल ओलंपियड्स हैं अभी कुछ महीने में, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा. काफी बच्चों का आया था कि वो इंटरेस्टेड है. इंटरनेशनल ओलंपियड्स होते हैं मैथ्स के, साइंस, और साइंस में भी तुम तो 11th में हो, तो फिजिक्स, केम, बायो, ये इसमें ब्रेक कर जाता है. तो संडे क्लास है इंटरनेशनल ओलंपियड्स में, आपको जो भी कराया जा रहा है उसका सिलेबस ओलंपियड के सिलेबस से काफी हद तक मैच करता है. जो थोड़ा बहुत डिफरेंट रह जाएगा वो हम उस संडे संडे वाली क्लास के अंदर कवर करते चले जाएंगे. फैकल्टीज अलग होंगी, फैकल्टीज वो होंगी जो ऑलरेडी उन ओलंपियड्स को क्रैक कर चुके हैं. इंडियन करिकुलम से थोड़ा अलग होगा. फॉर्म आप प्रोवाइड करोगे? वो सब हमारा काम है, हम कैसे फिल करना है वो सब हम डिटेल्स, संडे आपको डिटेल्स वगैरह भी मिल जाएंगे. लेकिन संडे से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी. ये आपके एंट्रेंसेस में भी हेल्प करेगी. अगर आप इसे क्रैक कर लेते हैं और आपका प्लान है बाहर से कुछ करने का, तो बहुत हेल्प करेगा. इंटरनेशनल ओलंपियड्स बहुत हेल्प करते हैं. अगर आपका प्लान है यूरोप से कुछ करने का 12th के बाद, तो ये बहुत हेल्प करेंगे. और ये जो क्लासेस होंगी ये इंटरनेशनल ओलंपियड के साथ साथ सैट में भी होंगी. जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं, 12th के बाद अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सैट क्लियर करना होता है, तो उसमें सैट का भी साथ साथ कवर होता चला जाएगा. ओके, सो दैट वाज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन के बाद एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और आजकल जो हाल है ना उसमें सैटवेट क्रैक करके रखो. असल में इंडिया में ना नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है. कुछ अंदाजा है आपको कि एक साल में लोग कितना नीट के लिए कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं? लास्ट ईयर जो फॉर्म्स जो अप्लाई किया गया था दैट वाज अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, और सीट्स होती है फ्यू थाउजेंड्स, लाइक 3% सीट्स भी नहीं है. तो बाकी 97% स्टूडेंट्स या तो दोबारा से ड्रॉप करते हैं या फिर वो और जगह ऑप्ट कर रहे होते हैं. तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप सैट वैट क्रैक कर कर जरा तैयार रहो कि अगर इंडिया में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बाहर से कर सकते हो. ओलंपियड्स वगैरह हैं तो इनसे आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है. सो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स. देखो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का मतलब है ये वो कॉम्पोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मीन्स कॉम्पोनेंट्स विच आर perpendicular to each other. तो वो components जो एक दूसरे के perpendicular होंगे, those components are known as rectangular components. So perpendicular का मतलब है एक component x, किसी भी दो perpendicular direction में होने चाहिए. मान लो एक x के long है एक y के long है. Like मैंने आपको vector a दे दिया, ये रहा, और मैं आपसे कहता हूँ इस vector a को दो parts में break करो. कॉम्पोनेंट मीन्स वेक्टर ए को दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए. एक पार्ट एक्स के अलोंग एक्ट करना चाहिए, दूसरा पार्ट वाई के अलोंग. तो वेक्टर ए है, दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक पार्ट एक्स के अलोंग एक्ट करेगा, दूसरा पार्ट वाई के अलोंग. तो एक्स के अलोंग जो एक्ट करेगा उसे मैं ए एक्स कहता हूँ,
y के अलोंग जो एक्ट करेगा उसे मैं ए वाई कहता हूँ. ax और ए वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. सो दिस ax एंड ए वाई आर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स. अब सी को जरा कॉम्पोनेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं. वेक्टर ए का एंगल गिवन है आपको x एक्सिस के साथ. जिस डायरेक्शन के साथ भी एंगल गिवन होगा वहां कॉम्पोनेंट होगा cos थीटा. जिस डायरेक्शन के साथ भी एंगल देगा वहां कॉम्पोनेंट होगा cos थीटा. सो योर्स ए एक्स विल बी ए cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी ए sin थीटा. तो y एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट विल बी ए sin थीटा. अब एक चीज और देखो, अगर मैं एंगल आपको y के साथ दे रहा हूँ, प्रवीण जरा तुम ट्राई करो, पता है तुम्हारी फर्स्ट क्लास है बट देखना चाह रहा हूँ तुम कितने अटेंटिव हो. प्रवीण बताओ जरा मुझे, अगर मैं एंगल y के साथ दे रहा हूँ, इफ दिस एंगल इज थीटा, इट्स वेक्टर a, मुझे बताओगे y के अलोंग कॉम्पोनेंट क्या होगा? a sin theta. Not a sin theta. हाँ, जिसके साथ एंगल गिवन है दैट्स ए कॉस थीटा. तुम भी देहरादून से हो क्या? स्कूलिंग तुम्हारी? स्कूल पढ़ता देहरादून में. हाँ, स्कूल कौन सा? सेंट जॉर्ज के बच्चों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, शार्प होता है. ए साइन थीटा. सो वाई एक्सिस जिस डायरेक्शन के साथ भी एंगल गिवन है वहां कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा. और इसका रिजोल्व करने का मतलब क्या है कि आपने एक वेक्टर को तोड़ दिया, एक वेक्टर लिया आपने उसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. दोस पार्ट्स आर योर्स कंपोनेंट वेक्टर्स. अब अगर मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं, प्रवीण इसे और ट्राई करना, गलत होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. अगर मैं आपसे कह रहा हूं दैट योर वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, दिस इज योर वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए. मुझे बता सकते हो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा प्रवीण? इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंगल द एंगल विल बी जीरो. एंगल विल बी जीरो, राइट. सो एक्स कितना होगा? व्हाट इज एक्स नाउ? एक्स विल बी cos 0 will be 1, so x will be a. Oh, yeah. AY? AY will be 0. That's a quick learner. Chalo ji. AY 0 jayega. To isko hum aise yaad rakhenge, if a vector is acting along x-axis, to uska sara ka sara effect sirf x ke along hoga, y ke along koi effect nahi hoga. Ek aur bache, Chosdil, zara unmute karo khud ko. आपकी भी शायद मेरे साथ फर्स्ट क्लास है. चौसडिल अनम्यूट करो. या चैट रूम में आओ बच्चे. अब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं कैसे आपसे बात करूंगा. चौसडिल so this is vector a, this is acting along y axis, vector a is acting along y axis, ye y ke along ja raha hai. to jab ye y ke along ja raha hai to along with y axis angle kitna hoga? 0 degree. yeah, so along y jo component hoga that jiske sath angle given hai wahan 0 ho jayega, a cos 0 its a, aur a x ho jayega a sin 0 which is 0. तो अगर ये चार एग्जांपल्स आपको आ गए तो आप रेजोल्यूशन कैलकुलेट करना सीख गए. जिस डायरेक्शन के साथ भी एंगल देगा वहां cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा. अब डायरेक्शन x के साथ देगा तो x के लॉन्ग cos थीटा, y के साथ देगा तो y के लॉन्ग cos थीटा. दूसरी चीज, जब आप इसे रिजोल्व करोगे कॉम्पोनेंट्स में, अगर वो कह रहा है वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, ओनली अलोंग x एक्सिस, तो x के लॉन्ग तो a आ जाएगा पूरा, y के लॉन्ग कॉम्पोनेंट 0 होगा. अगर वो आपसे कह रहा है दैट अ वेक्टर इज एक्टिंग ओनली अलोंग y एक्सिस, तो y के अलोंग a होगा, x के अलोंग 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा x के अलोंग. इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर यहां तक कोई डाउट है तो. चौसडल ये बात नहीं करेगा मुझसे. सर ये ay equals a sin theta प्रूव करने के लिए मतलब पहले हमें एक पैरेलल रन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. ना 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 ना,
अभी तुम्हें कराया नहीं, इसको प्रूफ करेंगे डॉट प्रोडक्ट से हर्षित, जब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कर लें। हम क्या कहते हैं x एक्सिस के अलोंग एक लाइन पैरेलल ड्रा करें जहां पे आपने ये y का एंड किया है, फिर वहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके थीटा यहां भी होगा तो ऊपर भी हो जाएगा, उससे हो जाएगा वो अगर ये थीटा यहां भी होगा तो एक ही साइड तो पता है। अच्छा एक साइड और एक एंगल पता है, वो ज्योमेट्रिकल है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट मेथड डॉट में सीखेंगे सर, जो मैंने बोला सही है। हां वो सही है, ज्योमेट्रिकली वो सही है, बिल्कुल सही। एग्जैक्ट क्या होता है डॉट में सीखोगे, डॉट प्रोडक्ट में सीखोगे। संडे आपकी जो क्लास लेगा, बहुत पहले कभी हमारा स्टूडेंट था, अभी तो वो एमएस करकर किस एमएस के फौरन बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसे एज अ प्रोफेसर ले लिया, और ये शार्प माइंड, मतलब वो सोचने का सड़के का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने आईटी वाईटी सब क्रैक किया, देन ये डिसाइडेड नहीं मुझे रिसर्च में जाना है, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से एमएस किया। एमएस के बाद अभी अशोका यूनिवर्सिटी में वो एज अ फैकल्टी है, और वेरी यंग है, मतलब जिस एज में लोग शायद मास्टर्स में होते हैं उस एज में वो लड़का एज अ फैकल्टी लगा हुआ है। बहुत मुश्किल से तैयार हुआ है, एक क्लास उसके साथ करिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच उसकी बिल्कुल अलग है। सो रब कर दूं ये, रब कर दूं सारा? यस सर। अच्छा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कैलकुलेट कर बताओ, मैं आपको वेक्टर्स दे रहा हूं, मुझे रिजॉल्व कर आप बताओगे कि आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज बी। इसे खुद ट्राई करोगे, तीन पार्ट्स हैं, तीन मिनट हैं आपके पास। दिस इज एफ वन विच इज 5 न्यूटन, दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस इज एफ टू, विच इज √2 न्यूटन, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज एफ थ्री which is 1 newton. Resolve each and every vector along x and y axis. Agar kisi ko yaad nahi hai, to cos 37 4 by 5, sin 37 is 3 by 5. And sin 37 is 3 by 5 now. To aapko resolve karna hai ise x, y and z axis ke along. Resolve all forces along x, y and z axis. Resolve all forces along x, y and z axis. चलिए 3 मिनट है, सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे आंसर क्या रहा है।
अरे आंसर्स बताओ और तीनों मुझे एक साथ बताना. F1 का 3 और 4 आया ठीक है, F2 आमना का आंसर आया, हर्षित का भी आ रहा है, दिव्यांशी, दिशा, प्रवीण ट्राई करो, गलत हो कोई बात नहीं, अभी तो तुमने सीखा है इसे. सर जो आंसर दिया था वो राइट है क्या? हाँ जो मैंने F1 X का आंसर दिया था वो राइट है क्या? एक मिनट, तुमने कहीं लिखा तो नहीं है? लिखा था चैट रूम में तुम? नहीं आमना हर्षित नहीं, तुम्हारा नहीं आया अभी प्रवीण. सब फोर लिखा था मैंने. तुमने लिखा है कहीं? एक बार और लिख दो यार, मुझे तो दिख नहीं रहा, एक बार और लिख दो प्लीज चैट रूम में. एवरीवन वाले में लिखना, वो तुमने कहीं किसी और को ना भेज दो. सर जो मेरा पहला वाला है सर वो y कॉमा x है, वो सीक्वेंस बदलना भूल गया मैं. अच्छा ठीक है ठीक है, प्रवीण एक बार और भेज दो आंसर्स. सर मैंने लर्निंग वर्कर को भेजा है. हाँ तो वो ना असल में वो को-होस्ट है और मैं होस्ट हूँ. एक बार एवरीवन वाले पर भेज दो. सर एवरीवन मिल नहीं रहा मुझे. मिलेगा मिलेगा. अच्छा मुझे ऐसी बता दो क्या आ रहा है? 4 F1 X 4 आ रहा है. ठीक है क्या? हाँ ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है. चलो भाई इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ज्यादातर लोगों का आ गया. F1 के जब आप कंपोनेंट्स लोगे तो X एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा दैट्स F1X. F1X को लिख सकते हो आप F1 cos 37. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यही सॉल्व कर देता हूं मैं ठीक है. तो F1 आ गया 5, cos 37 मैंने लिखा था 4/5, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 न्यूटन. जब आप y एक्सिस के लॉन्ग लोगे दैट्स F1y. F1y को आप लिखोगे F1 sin 37. सो F1 इज 5, sin 37 इज 3/5, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया Fy इज 3 न्यूटन. जैसे आप F2 लोगे इसका जो x कंपोनेंट जाएगा इट्स F2x. F2x विल बी F2 cos 45. F2 cos 45. सो F2 इज रूट 2, cos 45 इज 1/√2, कैंसिल हो गया. सो इसको कैंसिल कर दिया, F2x आ गया इट्स 1 न्यूटन. अब जब आप F2y लोगे, F2y तो ऊपर जाएगा, दिस इज F2y. F2y मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, F2y होगा F2 sin 45 डिग्री. F2y इज F2 sin 45 डिग्री. F2 इज रूट 2, sin 45 इज 1/√2, गेट्स कैंसिल आउट, दैट्स 1 न्यूटन. So F1y, F2y सॉल्व हो गया. F3 देखो, F3 कहाँ एक्ट कर रहा है? Y के लॉन्ग. So F3 का जो Y कॉम्पोनेंट होगा ना, Y कॉम्पोनेंट ऑफ F3, F3 का Y कॉम्पोनेंट और ये आया F3 का X कॉम्पोनेंट. F3 का Y कॉम्पोनेंट पूरे F3 की तरह इक्वल होगा 1 न्यूटन. F3 का x कंपोनेंट विल बी 0. मैंने भी बताया था वेक्टर अगर y के अलोंग एक्ट कर रहा है पूरा का पूरा y कंपोनेंट वेक्टर के इक्वल होगा, x कंपोनेंट 0 आ जाएगा. सोमिया का नेटवर्क कनेक्शन शुरू हो
हाँ भाई जल्दी जल्दी सुनने की कोशिश करो मैत्री, जितनी बातें करती है उतनी देर में कोशिश करेगी तो समझ में आ जाएगा। ये फोर्स F1, देखो F1 एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 37 डिग्री। आपको F1 को रिजोल्व करना है, F1 के कॉम्पोनेंट्स लेने, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और वाई के लॉन्ग भी। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल देगा वहां कॉम्पोनेंट होता है कॉस। तो देखो 37 डिग्री किसके साथ दी है, एक्स एक्सिस के साथ, तो F1 का कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा F1 cos 37। F1 आपको 5 गिवन है, cos 37 इज 4/5, इट्स 4 न्यूटन। ऐसी y एक्सिस के लॉन्ग देखो, F1 का कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग इज F1 sin 37, F1 इज 5, sin 37 3/5 कैंसिल हो गया, कितना आया 3 न्यूटन। तो F1 का x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट इज 4 न्यूटन, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट इज 3 न्यूटन। हाँ मैत्री, हुआ अब? जिसके साथ एंगल देगा वहां cos, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin, सिर्फ इतना है। सर आपने F3 के कंपोनेंट में आपने क्या किया, जब आपने y एक्सिस के लॉन्ग लिया तो ये होना चाहिए था ना F3 sin थीटा। अरे भाई साइन कॉस लेने के बाद भी बचेगा तो सिर्फ F3, वाई के साथ तो एंगल जीरो होगा, कॉस जीरो जीरो हो जाएगा। अच्छा मेथी अभी कर पाते हैं तुम्हारा। हाँ भाई हर्षित, सर वाई के साथ, वाई के साथ तो साइन थीटा लेते हैं ना, वाई के साथ नहीं, एंग थीटा उसके साथ लेते हैं जिसके साथ एंगल गिवन हो, जिसके साथ एंगल गिवन हो उसके साथ कॉस लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन लेते हैं। तो एंगल किसके साथ दिया हुआ है, वाई के साथ, वाई के साथ दिया ना, तो वाई के लॉन्ग कॉस होगा, परपेंडिकुलर के लॉन्ग साइन होगा। करो करो लिखो, बाकी लोग भी उदय हाँ भाई सबने लिख लिया तो इसे रब कर दूं मैं। यस सर। छोड़ो नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस और देखिए इसके ऊपर। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 2 m/s। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एंगल विद हॉरिजॉन्टल एंड वाई कॉम्पोनेंट, एंड वाई कॉम्पोनेंट if angle with x-axis is 30 degree। चलो जी करो, याद रखना टोटल वेलोसिटी नहीं दी, एक्स कॉम्पोनेंट दिया है। ट्राई करो इसे, पहला वाला तो ज्यादातर लोगों का ठीक आ गया था। प्रवीण इसे भी ट्राई करो, थोड़ा सा घुमा हुआ है। ठीक है सर। तिशा सोमिया अब ट्राई करो, अब आना चाहिए। तुषार सौम्या और मैत्री तुम यहां सुनो, द
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये सुनो, ये वेक्टर ए है. वेक्टर ए को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग. बाकी सब इसे सॉल्व करो. मान लो एक्स के साथ एंगल थीटा दिया है, जहां एंगल थीटा दिया है वहां कॉम्पोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा ए साइन थीटा. और परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉम्पोनेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि वेक्टर को आपने ब्रेक कर दिया. वेक्टर ए को दो डायरेक्शंस में ब्रेक किया, एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग. जब एक्स के अलोंग ब्रेक किया इट्स ए कॉस थीटा, वाई के अलोंग ब्रेक किया दैट इज ए साइन थीटा. हाँ मित्री, अब आया कुछ? हाँ सर. अच्छा, अब इसको ट्राई करो एक बार ट्राई करो. गलत हो कोई बात नहीं, ट्राई करोगी तो फिर ये सॉल्व होने लगेगा. सकलेन आप शायद गलत बैच में आ गए, 11th की बैच है. कोई नहीं, 11th का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा. इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से, आंसर्स क्या आ रहे हैं? आमना का आया 4 root 3 देखो, तो आमना में बहुत इंप्रूवमेंट है, इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है. दिव्यांशी, सोम्या, हाँ सकलेन कोई बात नहीं, इसको कर लो फिर. मैं तुम्हारे लिए, मुझे एक बैच और स्टार्ट करनी है जो एक आध दिन में शुरू होगी. वेक्टर्स ही रिवाइज कर लो. अब तुम याद आए हो तो. तिशा का आया √3. तिशा का √3 आ रहा है. दिव्यांशी √4/3 हो गए. मुझे ये तो टोटल आ गया, वाई कंपोनेंट भी चाहिए मुझको. प्रवीण आंसर. बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया. हाँ मैत्री आंसर √3. चल गुड, आंसर आया ना, सही गलत कुछ नहीं. आया कुछ आया, अभी देखते हैं कैसा सही आया गलत आया. देखो टोटल वेलोसिटी दी हुई है. एक्स एक्सिस के साथ एंगल इज 30 degree, तो एक्स कॉम्पोनेंट जो है वेलोसिटी का वी एक्स, ये आपको दिया है 2 meter per second. सो देखो वी एक्स क्या होता है, वी एक्स इज सिंपली वी कॉस 30. सो वी एक्स इज 2, वी इज पता नहीं, कॉस 30 इज √3/2. इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो. सो वी हो गया इट्स 2 × 2/3. सो वी हो गया इट्स 4/√3 meter per second. इट्स 4/√3 meter per second. अच्छा, इट्स 4/√3 meter per second. ये वेलोसिटी हो गई 4/√3. अब इसी में वेलोसिटी का आपसे कह रहा है वाई कंपोनेंट. भाई वाई कंपोनेंट आसान होता है, वाई कंपोनेंट वी वाई क्या होगा, वी साइन 30. सो देखो वी कितना है 4/√3, साइन 30 कितना होता है, हाफ गेट्स कैंसल्ड आउट. सो वी वाई इज इट्स 2/√3 meter per second. इट्स 2/√3 meter per second, दैट्स वी वाई. तो ऐसे हम वी वाई कैलकुलेट करेंगे. मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट, सब क्लियर है? सर सर इसमें ये क्या देखा, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड वाई कंपोनेंट विद एंगल विद एक्स एक्सिस इज 30. सॉरी ये ना बहुत सारे कॉमा थे, वाई कंपोनेंट ठीक एंड एंगल, सॉरी एंगल विद एक्स एक्सिस दिया होगा.
वाई कॉम्पोनेंट निकालना था, एंगल गिवन है आपको एक्स के साथ 30 डिग्री. ये रिजल्टेंट का एंगल है मतलब. कोई नहीं, गलत हो गया लेकिन समझ में आया. यस सर. सो देखिए अब नेक्स्ट रिजोल्व करना आपको आ गया. प्रवीण ये समझ में आया कुछ? हाँ सर. अच्छा रिजोल्व करना आ गया. अब रिजोल्व कर ज्यादातर रेजोल्यूशन जो आप यूज करेंगे वो वेक्टर एडिशन में यूज करेंगे. देखो दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का हमने एक मेथड पढ़ा था, दैट वाज पॉलीगन लॉ. पॉलीगन लॉ बहुत लेंदी था. उस काम को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप रेजोल्यूशन यूज कर लें. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज कर वो काम आप बहुत आसानी से कर पाओगे. सो एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, उसी एग्जाम्पल से सिखाऊंगा कि रेजोल्यूशन यूज कर आप वेक्टर्स ऐड कैसे करते हैं. सो आपको तीन फोर्सेस गिवन है. जो मैंने पहले फोर्सेस ली थी, ये फोर्स F1 थी, ये फोर्स F2 थी और ये फोर्स F3 एड करी है. सो फोर्स F1 जो मैंने ली थी दैट वॉज कितना था, 5 न्यूटन था ना. ये एंगल है 37 डिग्री. ये F2 है विच इज √2 न्यूटन एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. दिस इज F3 विच इज लेट से 2 न्यूटन. ये कितना था F3 बता दो मुझे कितना था बे, कोई तो बताओ. लास्ट न्यूमेरिकल में F3 कितना था? 1 न्यूटन. F3 1 न्यूटन था. तो अभी तो आपने लास्ट न्यूमेरिकल में सिर्फ रिजोल्व किया था. अब आपको रिजोल्व नहीं करना, वो आपसे कहता है कैलकुलेट नेट फोर्स. वो आपसे कहता है कैलकुलेट नेट फोर्स. नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए. सो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इन सारी फोर्सेस को आप एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करोगे. नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इन सारी फोर्स को रिजोल्व करना है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग. पहला काम, अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने रेजोल्यूशन के थ्रू, पहला काम है इन्हें रिजोल्व करो. ये मैं आपको लास्ट न्यूमेरिकल में रिजोल्व करके दिखा चुका हूं. F1x4 आया था, मैं बस उसी को रिपीट कर रहा हूं. F1y कितना आया था? 3 आया था. F2x1 आया था. F2y1 आया था. F3y1 आया था. F3x0 था. पहला काम होता है रिजोल्व करना. तो अगर आप रेजोल्यूशन यूज कर ऐड करना चाहते हैं तो पहला स्टेप होगा सारे फोर्सेस को रिजोल्व कर दो एक्स और वाई के लॉन्ग. तो स्टेप वन, मैं स्टेप्स भी लिख रहा हूं, ये बहुत यूज होगा आगे भी हम यूज किया करेंगे. तो स्टेप वन, रिजोल्व ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. रिजोल्व ऑल फोर्सेस अलोंग x and y axis. सारी फोर्सेस को x और y axis के along resolve कर दो. That's step one. Step two. Net force calculate करनी है x axis के along. Net force along x axis. तो देखो x के along कितने vectors act कर रहे हैं? एक F1x act कर रहा है, एक F2x act कर रहा है. दोनों में डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. और जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा से ग्रेटर माइनस स्मॉलर करो. ये 4 है, ये 1 है. 4 ज्यादा है तो आप इसे F1x माइनस F2x लिखिए. यहां F1x नहीं हो रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो रहा है. यहां हम वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हैं लेकिन जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सिखाया था ना आपको, तो ऐड करना है. दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करोगे लेकिन वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सोमिया यहां तक क्लियर है? यस सर. सो व्हाट इज F1x? F1x इज 4. व्हाट इज F2x? F2x इज 1. सो Fx इज 3 न्यूटन. सो ये Fx आ गया. योर Fx इज 3 न्यूटन. ऐसे ही आप वाई एक्सिस के अलोंग लो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस. नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस.
तो देखिए y एक्सिस के अलोंग क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 3 न्यूटन एक्ट कर रहा है, एक 1 न्यूटन एक्ट कर रहा है और एक ये 1 न्यूटन। तो देखो ऊपर y के अलोंग दो फोर्सेस हैं जो सेम डायरेक्शन में ये ऐड हो जाएंगे, ये F3y नीचे एक्ट कर रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ दिशा का सही आ रहा है। तो y के अलोंग होगा ये F1y प्लस F2y माइनस F3y। तो y के अलोंग नेट फोर्स हो गई F1y विच इज 3, F2y प्लस 1, F3y विच इज माइनस 1। तो Fy आ गया, Fy इज 3 न्यूटन, y के अलोंग 3 न्यूटन, x के अलोंग 3 न्यूटन। कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पहला स्टेप क्या था रिजॉल्व करो, सेकंड स्टेप है नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस, जो सेम डायरेक्शन वाले हैं उन्हें ऐड कर दो, जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद स्टेप 3, Add fx and fy. F and xy vectors, इन्हें आप directly add नहीं कर सकते, इन्हें add करने के लिए vector laws proper. fx ऊपर fy. यहां आपने parallelogram complete कर दिया. The diagonal of parallelogram will give f. This diagonal of parallelogram will give f. ये डायगोनल आपको फोर्स एफ देगा। चलिए इतना लिखिए फिर देखते हैं। इसे सॉल्व कीजिए। इतना लिखिए फिर एफ एक्स और एफ वाई ऐड करेंगे। सर हाँ सर, जब हमने एफ वाई कैलकुलेट किया तब हमने F3y भी इंक्लूड किया ना। हाँ सर, सिमिलरली जब हम Fx कैलकुलेट किया करते हैं सर, तब हमने F3x इंक्लूड क्यों नहीं किया? वेरी गुड वेरी गुड। बस सिर्फ इसलिए नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, बट F3x is 0, सिर्फ इसलिए नहीं लिखा मैंने। ओके सर, आइडियली होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, F1x plus F3x minus F2x, ठीक है, बट दिस इज 0 इसलिए नहीं लिखा था मैंने। ओके सर। सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में वो जो y कंपोनेंट हमें निकालना था ना, तो वो क्या होगा, y sin 30 equals 4/√3। कौन सा वाला, कौन सा, इससे पहले वाले की बात कर रहे हो? हाँ 4/√3 राइट, मतलब वो 8/√3 आ जाएगा? नहीं नहीं, 8/√3 का है, 2/√3 आएगा ना, टोटल आया था ना v 4/√3। हाँ तो हम उसको इक्वेट करेंगे ना y sin थीटा के बराबर में, इक्वेट करेंगे, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है, गिवन थोड़ा है, ये तुमने कैलकुलेट कर लिया तो sin 30 रखोगे ना, हाफ हो जाएगा, तुम्हें v पता है हर्षित? अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। भाई जब इतना लिख लो मुझे बताओ प्लीज, इसको रब करते हैं फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, बस एक लास्ट स्टेप रह गया, खत्म ये न्यूमेरिकल, फिर एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे ऐसे ही। डन हो गया, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं रब कर रहा हूँ।
सो एफ एक्स और एफ वाई जो नेट फोर्स होगी दैट नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ एक्स एक्स एंड एफ वाई इट्स वेक्टर सम ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई तो एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट्स रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर सो ये एफ हो गया इट्स रूट ओवर एफ एक्स एफ एक्स कितना है थ्री एफ वाई कितना है थ्री सो इट्स थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर सो एफ एक्स और एफ वाई नाइन प्लस नाइन है ये आ जाएगा नाइन रूट टू अब आपको ये भी चाहिए एंगल कितना होगा बीटा मैंने आपको सिखाया था अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो टैन बीटा को सिंपली बी बाय ए लिख सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स में सिखाई थी आपको ट्रिक्स एंगल किसके साथ ले रहे हो fx के साथ so fx is a fy क्या हो जाएगा fy is b तो आप इसे लिख सकते हैं b by a which is fy divided by fx fy is 3 fx is 3 gets cancelled out which is 1 so tan beta is 1 beta is 45 degree So, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स दे रहा है पॉलीगन लॉ से ये इजी पड़ता है तो मुझे समझाना था तो मुझे इतने ज्यादा आपको बताना पड़ा जब आप खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसको लिख लो और मुझे डाउट्स बताओ तिशा तो तो वो जीरो तो नहीं होना चाहिए कौन सा जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना होना चाहिए मैत्री इसमें कॉस्ट नहीं लेते मैत्री लिया ना कॉस्ट जब हमने रिजोल्व किया वो जो रिजोल्यूशन ये जो मैं एफ वन एक्स एफ थ्री एक्स ले रहा हूँ ना इसको ऑलरेडी मैंने रिजोल्व करके लिखा हुआ है ओके सर लास्ट टू लास्ट जो न्यूमेरिकल कराया था उसको मैंने यूज किया प्रवीण कुछ समझ में आया बाउंस कर गया ये चलो एक न्यूमेरिकल और देखो इसमें मैं रब कर दूं ये सब यस सर यस सर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 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 आपको दिया है उसने ये कंपेरेटिव इजी है इसको जल्दी से सॉल्व कर दो एफ वन इज थ्री न्यूटन एफ टू एक्ट कर रहा है वन न्यूटन यहां एफ थ्री एक्ट कर रहा है ये एफ थ्री है ये जो एंगल है दिस इज एफ थ्री विच इज वाई फाइव न्यूटन ये एंगल 37 डिग्री कैलकुलेट नेट फोर्स एफ विच इज एफ वन एफ टू F3, algebraic sum of F1, F2, and F3. That's it. F3 is 5 Newton, 5 Newton. F3 is 5 Newton. F3 is 5 Newton. Chalo, solve karo se, resolve karo, add karo, mujhe net force batao. Speed badao, jaldi se karo.
नेट फोर्स, नेट फोर्स नेट फोर्स आया 3 न्यूटन हर्षित का आ रहा है, 7 न्यूटन आमना का आ रहा है। दिव्यांशी सॉल्व करो इसे, प्रवीण। तो मेरा 4 न्यूटन आ रहा है, 7 न्यूटन में 4 आ रहा है। दिव्यांशी नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है बच्चे, करो वर्कआउट इसको। मैत्री तुम बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। जीरो। अच्छा, सो देखो ये जो F3 है यहां एक्ट कर रहा है, इस F3 के आप कॉम्पोनेंट्स देखो, F1 और F2 को तो रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो F1 X के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो तुम्हें पता है कि F1 X जो होगा वो 3 होगा, F1 Y जो होगा वो 0 होगा, F2 Y के लॉन्ग एक्ट कर रहा है तो F2 Y 1 होगा और F2 X 0 होगा। F2Y 1 होगा और F2X कितना आ जाएगा, 0। रिजॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं पता था सब Y के लॉन्ग एक्ट करेगा, सब X को रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो F3 का जो Y कंपोनेंट होगा F3Y, उसे आप लिखोगे F3 cos 37 डिग्री। सो दिस इज F3 cos 37। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, so ये F3Y आ गया, it's F3 which is 5, cos 37 is 4/5, cancel हो गया, F3Y is 4 newton, F3X जब आप solve करेंगे, so this is F3 sin 37, F3 is 5, sin 37 is 3/5, cancel हो गया, कितना आ गया 3 newton। रिजोल्व कर लिया। सेकेंड स्टेप, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस हैं, एक एफ वन एक्स, एक एफ टू एक्स और एक एफ थ्री एक्स। सो एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स माइनस एफ थ्री एक्स। तो एफ वन एक्स कितना है 3, एफ टू एक्स कितना है 0, एफ थ्री एक्स इज 3। तो एक्स के अलोंग नेट फोर्स इज 0, एक्स के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हाँ, y के लॉन्ग जब कैलकुलेट करोगे F2y, F1y, F3y, तो देखो ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दैट्स F3y माइनस F2y, सो द नेट फोर्स Fy इज F3y विच इज 4 माइनस F2y विच इज 1, सो दैट्स Fy विच कम्स आउट टू बी 3 न्यूटन। सो नाउ यू हैव Fx एंड यू हैव Fy। Net force F is vector sum of Fx plus vector sum of Fy. Fx is 0. So Fy is, F is simply equal to Fy. So Fy is 3 newton. Fx to 0 hi aa gaya, isme to kuch bachega hi nahi. F Fy ki equal hai 3 newton hai aur kahan act kar raha hai downwards. So that net force F in 3 newton. Chalo itna likho bas, ye class over. हाँ अर्शद, एंगल जीरो है ना? हाँ, एफ एक्स जीरो आया, एफ वाई के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, एंगल इज जीरो डिग्री, राइट? ठीक है, एंगल जीरो नाइनटी दोनों हो सकता है ना अर्शद, अगर तुम वाई के साथ ले रहे हो तो जीरो है, तुम कहते हो एक्स के साथ तो 90 है, तो एंगल हमेशा डिपेंड करता है आप किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। यूजुअली जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसके साथ ले रहे हैं। नहीं, किसी के साथ भी ले सकते हैं आप, फाइनली लिखेंगे किसके साथ है वो एंगल, और जब 0 डिग्री लिख रहे हो तो लिख दो विद y एक्सिस, अगर आप 90 लिख रहे हो तो लिख दो विद x एक्सिस, काम हो गया। सर जो आपने एफ टू वाई वन न्यूटन लिखा उसके बगल में आपने लिखा है क्या क्या, दोबारा बोलो। एफ टू वाई के एकदम राइट पे आपने कुछ लिखा है, एफ वाई कुछ लिखा है, एफ वन वाई, एफ वन वाई, एफ वन वाई,
व्हिच इज 0 सही आपने डाउन एरो की हाँ मैथ्री क्या कह रही हो ये आपने ये कहते हैं 3 न्यूटन के ठीक लेफ्ट मेरे डाउन एरो की बनाए क्योंकि डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड्स है ना नेट फोर्स कहाँ एक्ट करी डाउनवर्ड्स 3 न्यूटन नेगेटिव आई एक्सिस का तो वैसे ये कहते हैं एफ टू और एफ वन के कंपोनेंट लगाना जरूरी था ना क्योंकि नहीं नहीं वो तो ऑलरेडी कोई काम नहीं था बस शो कर रहा था हाँ हो जाएगा आमना हो जाएगा अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस लिख दें तब भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं चलो भाई इसको आज यहीं छोड़ते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास है और समझना वो की कहते हैं 090 का नहीं अभी अगर हम नीचे लेंगे वाला वाई एक्सिस को दोबारा बोलो हर्षित सर आपने कहा ना अभी थीटा या तो 0 हो सकता है या 90 हो सकता है वो डिपेंड करता है हम किस एक्सिस का लेते हैं बिल्कुल 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 आपने कहा था 0 तो हम F3 के अलोंग नहीं नहीं आप ऐसे लिखोगे ना भाई आप F लिखते हो नेट फोर्स इज 3 न्यूटन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस आप और कुछ लिखना चाह रहे हो 3 न्यूटन जो बहुत करेक्ट नहीं है एट 0 डिग्री विद वाई एक्सिस आप ऐसे लिख दो 3 न्यूटन एट 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस अच्छा समझ गया समझ गया सर आज राइटर नहीं है क्या राइटर राइटर पेन पेंसिल कलर है ना सुनिए सब है चलो आज इसको मैंने यही आज क्लास को यही छोड़ते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सो नेक्स्ट थर्सडे थैंक यू बस दो क्लासेस और रह गई हां सर आपने कहा 0 डिग्री उस टाइम पे हम ए को 3 ले रहे हैं और जब 90 डिग्री आ रहा है उस टाइम पे हम ए को 1 ले रहे हैं ना यही फर्क है ना ए को 3 ले रहे हैं और ए को 1 ले रहे हैं 1 तो कुछ है ही नहीं ना नहीं ये ऊपर को फोर्स जा रहा है 1 को उसको तो दूसरे 0 लोगे ना इसको नहीं ले रहे कुछ भाई एक्स के लॉन्ग लोगे ना तुम तो 90 आने का क्या मतलब है तुम्हारा इनफाइनाइट आ जाएगा एक टर्म 0 आ जाएगी तुम एक्स के लॉन्ग 0 ले रहे हो तभी तो इनफाइनाइट आया tan infinite is 90 हर्षित इसको बचा के रखना इस डिस्कशन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरी फिर से एक क्लास है वो गड़बड़ हो जाएगा सो उसको माइनस 3 न्यूटन नहीं लिखेंगे नहीं 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 मैग्नीट्यूड 3 है डायरेक्शन है नेगेटिव में ओके सर बाय सर थैंक यू सर ओके बाय